एप्लीकेबल सब्जेक्ट इसमें कहना चाहिए जिसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में है वो हम कर रहे हैं तो आज तीसवें लेक्चर के साथ लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन एंड सिंस दिस इज अवर थर्टी लेक्चर सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मैक्सिमम टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट एंड आई एम श्योर यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ नाउ टू डिस्कस टॉपिक्स एंड रिस्पॉन्ड इफ साटन क्वेश्चन सो देखते हैं कि आज क्या हमने कवर करना है लेकिन उससे पहले एस जी यू एल वॉट अबाउट द फीविस है ट्वेंटी नाइन्थ वन उसमें क्या हमने डिस्कस किया था उसको लिंक करते हुए आगे चलते हैं याद है क्या उसमें था बुरी बात है पढ़ना चाहिए और साथ साथ काम करते रहना चाहिए सो व्यू आर एट द कंपनसेशन पार्ट हमने एच को डिस्कस करना शुरू किया बेसिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट पढ़े बिहेवियर आस्पेक्ट को कवर किया एंड देन वी शिफ्टेड टू बेसिक एच एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन से सारा प्रोसेस देखा सिलेक्शन होके सोशलाइज होते देखा एंड देन वी कवर दी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट फिर जॉब वैल्यूएशन उसकी प्राइसिंग और अल्टीमेटली हम कंपनसेशन पर आ गए और कंपनसेशन में भी हमने फिर दो उसकी साइड्स देखी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हमने पे पैकेजेस को डिस्कस किया कैसे उसका डिटर्मन करते हैं सैलरीज को कमीशन को बोनसेस को डिस्कस किया एंड देन वी आल्सो कवर दी इनडायरेक्ट पार्ट एंड दैट वाज अवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट बेनिफिट्स जिसको हम इनडायरेक्ट को जो कंपनसेशन है इसको बेनिफिट्स का नाम भी देते हैं और उसके अंदर हमने देखा कि वाई टू फोकस ऑन बेनिफिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है क्या फ़ायदे हैं इसके टाइप ऑफ बेनिफिट्स को हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल में स्टार्टिंग विद दी रिटायरमेंट बेनिफिट्स से रिक्रिएशन तक हेल्थ का इंश्योरेंस अदर बेनिफिट्स इवन फैमिली ओनड बेनिफिट्स तो सबको समझने की कोशिश की इन डेप्थ के थोड़ा सा एंड दी रीजन वाज दैट वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये ना सिर्फ आपके फायदे के लिए कोर्स है बल्कि नॉर्म एवरी पर्सन वी हैडी इज वर्किंग वन वेर अदर तो ये सबके फायदे की के, के लिए डिस्कस किया जाता है ताकि आप सबकी लर्निंग होती रहे साथ। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं बेनिफिट्स को हाउ कैन वो इफेक्टिवली मैनेज दोज थिंग उसको भी डिस्कस किया हमने एंड वन टॉपिक वॉज लेफ्ट देट वॉज रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयेंस बेनिफिट क्योंकि टाइम कंस्टेंट की वजह से हमें प्रीवियस लेक्चर जल्दी ख़त्म करना पड़ा तो बेनिफिट्स का एक एक दो स्लाइड रह गई थी तो मैंने सोचा आज आपसे वो शेयर करता चले एंड देट वॉज द रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट क्या इसके फायदे हैं एक तो उसका सबसे बड़ा फायदा यू कैन हैव इफेक्टिव रिक्रूटमेंट क्रिएट की गुड इमेज इन द मार्केट एंड पीपल कम टू योर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल लोग आएंगे आपकी तरफ तो ये इफ़ेक्ट क्या होगा अफेक्ट करेगा आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन ए पॉजिटिव वे इफ योर बेनिफिट्स आर गुड एंड अट्रैक्टिव। एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू इंप्रूव मोरॉल एंड लॉयल्टी ऑफ योर वर्क फोर्स वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनका मोरल भी हाई होगा और उनकी लॉयल्टी विद आर्ग्नेशन इज आल्सो टू बी इम्प्रूव बिकॉज इफ यू आर टेकिंग दैट मच पेन यू एज आर्गनाइजेशन इज इफ आर्ग्नेशन इज टेकिंग दैट मच पेन एंड दे आर सो कंसर्न अबाउट द वेलफेयर एंड अबाउट द उसकी जो उसकी वेलफेयर है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है अबाउट द वर्क फोर्स दैन नेचुर ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी बल्कि वो लायल भी रहेंगे एंड ड्यू टू दिस दिल बी लो टर्न ओवर एंड एबसेंटिज्म टर्न ओवर क्यों होता है एब्सेंटिज्म क्यों होता है एंड यू नो वट इज टर्न ओवर राइट पीपल कम एंड जस्ट लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्वाइन एन अदर दिस इज ए बैड रिप्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जब उनको पता है कि उनका अदारा उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी इंस्टीट्यूशन इज टेकिंग वेल केयर ऑफ सो वाई दे शुड लीव, वाई दे शुड मिस दियर वर्क ये तो तभी होता है जब कोई मजबूरी के तहत वक्ती तौर पे कहीं जॉब कर रहा है तो वो कहता है कोई बात नहीं छुट्टियां कर लेते हैं एंड आईव सीन माई लाइफ टू इफ यू आर सेटिस्फाई विद यूर ऑर्गेनाइजेशन इवन पल डोंट गो फॉर दियर नॉर्मल लीव एक तो होता है ना कुछ ऐसी हमने लीव भी डिस्कस किए जिनको लीव इन कैश मिलती है जिनको अर्न लीव भी कहते हैं हम और कुछ लोग आपकी कैजुअल लीव जो, जो उसी सा, जो उस साल के अंदर खत्म हो जाती है वो तो या आप लीव यूटिलाइज कर लेंगे या वो खत्म हो जाएंगे उस साल के एंड उस टाइम पीरियड के एंड तो वो लोग जो एंजॉय करते हैं वर्किंग इवन दे डोंट टेक दोज नॉर्मल लीवस वो तो छुट्टी के दिन भी ऑफिस का काम कर रहे होते हैं सो दिस इज ए गुड थिंग गुड रिटर्न एंड ऑफकोर्स बेनिफिट्स आर पिलेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे फॉर दिस बिहेवियर सो देन वॉट आर द रिटर्न ऑफ इफेक्टिव बेनिफिट्स अफेक्टिव रिक्रूटमेंट इम्प्रूव बल एंड लॉयटी एंड लोअर टर्न ओवर एंड एबसेंटिज्मीथिंग एल्स लेट्स गुड पब्लिक रिलेशन्स उ पब्लिक रिलेशन विद होम एंप्लॉयर एंड एम्प्लॉज एंड ऑफकोर्स विद द सोसाइटी बिकॉज यूर इमेज इज गोइंग टू बी सीन एज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द मार्केट एंड दैट कैन डिवेल्प ए गुड रिलेशनशिप इवन विद विद इन दोसाइटी तो ये सारे आउटकम हैं फायदे हैं उस प्लान के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसे हम इनडायरेक्ट Compensation ya benefits or incentive ki baat karte What about today's topics? We are almost done with the compensation but still certain things are there. I was just going through your text and we have seen few topics so I thought I should bring them here and discuss them. So let us talk about pay for performance. What is this? What is this concept and how it is effective? This is the compensation philosophy of higher pay for higher con contribution. The more you will work, the better you will get. The better you produce, the more you will get. So that is performance for pay system. Performance will be calculated on corporate perf performance and personal performance. जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं एक तो पर्सनल परफॉर्मेंस होती है ना एक एज ए होल कार्पोरेट परफॉर्मेंस की बात भी होती है एंड मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम लेट्स इज इट सो इजी इफ इट इज इजी वाई डॉट एवरीबॉडी गो फॉर इट द माइट बी सर्टन चैलेंजेस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दो चैलेंजेस यू हैव टू लिंक पे एंड परफॉर्मेंस अप्रोपरि इट्स डिफिकल्ट ट इस डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई द परफॉर्मेंस आगे हम देखेंगे कि कुछ क्या होना चाहिए क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए परफॉर्मेंस का तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप काउंट नहीं कर सकते इंटेजिबल चीजें भी होती तो वहां पर कैसे आप इसकी कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसको लिंक करेंगे अफकोर्स वे नू या टाकिंग अब पीस बेसिस पे जो पेमेंट करते हैं वो तो है जितनी शर्टें बनाई आपने उतने पैसे मिल गए जितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किया उतना पैसा मिल गया आपको जितना वजन आपने उठाया उतना आपको उसका रिटर्न मिल गया बट टाइम सर्टन अदर इंडिकेटर और जो पैरामीटर्स हैं उनको क्वांटिफाई करना और लिंक करना इज अ बिट डिफिकल्ट जॉब बट स्टिल पीपल आर डूइंग दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल यूज पे फॉर आर परफॉर्मेंस एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एच सिस्टम उसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी आगे हम देखेंगे कि ये सिस्टम फेल भी होते हैं वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से फेल होते हैं वहाँ पे आपको ये बात समझ आएगी एंड यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट एम्प्लॉयज ट्रस्ट कि यस इट इज़ बाइसलेस इट इज फेयर तो उसी से उसका फिर रिटर्न भी निकलेगा क्योंकि मिस तो चीज़ें हो सकती हैं ना प्रमोट द बिलीव that performance makes a difference you have to give convey a message to your other people yes we mean business and you have to convey a message that performance can make a difference difference in what in their career in the reward system and of course in their overall credibility for the organization loyalty for the organization and you have to you can you should use the multiple layer of the reward अब इसमें भी क्या है कि आपने वो लिंक डेवलप करना है परफॉर्मेंस का और पे का ना इफ एवरीबडी इज लेट सी यू हैव टेन इम्प्लॉयज एंड आउट ऑफ टेन एट आर गिविंग गुड परफॉर्मेंस तो शुड यू बी गिविंग द सेम रिवॉर्ड टू टेन एट पीपल जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं दैट माइट बी डेंजरस अगेन विद इन दोज एट यू कैन हैव हैव यू टू हैट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उसका पॉइंट सिस्टम कोई और जो पैरामीटर आप बनाएंगे जिसके बेस पे फिर आपने उसी तरह फिर रिवार्ड भी देना है उसके लिए फिर यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट लेयर्स यू हैव टू इंक्रीज इम एंप्लाइज इन्वॉल्वमेंट इन दिस होल प्रोसेस सो दे शुड आल्सो बी क्लियर व्हाट इज हैपनिंग कौन सा उसका पैरामीटर होगा क्योंकि आपने देखा कि हमने जब परफॉर्मेंस प्रेजेस पढ़ पर रहे थे या समझ रहे थे तो उसमें भी हमने इन चीजों को डिस्कस किया कि दोनों को पता होना चाहिए जो रेटर को भी मालूम होना चाहिए कि उसने क्या चीज रेट करनी है और एंप्लाई को भी पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से चीजों को उन्होंने चेक करना है एंड देन यू हैव टू यूज मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू इंक्रीज द कमिटमेंट नाउ दिस मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल कैन बी अदर बेनिफिट लाइक इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं या इवन जो रिकग्निशन जो है एप्रिसिएशन जो है these are motivational factors. and motive. You, you know that and you remember it, the motivation play a very vital role in performance. yes, when we, are, when we were trying to understand what is performance, and we said at that time that performance is the function of abilities, motivation, and opportunities. तो मोटिवेशन इज ए पिवेटल पार्ट तो आपने ये भी देखना है कि जब इसको कंपनसेशन की बात करते हैं रिवॉर्ड की बात करते हैं परफॉर्मेंस पे फॉर पे की बात करते हैं तो उसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल बात रिवार्ड की बात करें लेकिन उसके साथ मोटिवेशन अदर फैक्टर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो हैं जिसमें अप्रिसशन है रिकग्निशन है अपॉर्चुनिटी फॉर परफॉर्मेंस है तो वी शुड आल्सो कीप इन आवर माइंड दोज थिंग्स

परफॉर्मेंस को बेस बना के आप उसके लिए जो परफॉर्मेंस बेस प्लान बना रहे हैं पेमेंट का दैट कैन बी मेरिट पे इन द शेप ऑफ मेरिट पे और बोनस प्रोग्राम जो लमसम पैसा दे सकते हैं आप किसी को कभी कभी वो एक सैलरी के बराबर होता है या इट डिपेंड ऑन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे हैव एंड मे बी यू कैन हैव अवार्ड सिस्टम जैसे हमारे यहाँ बैंकिंग में होता है कि अगर वो बैंकिंग का एक खास उनका कोर्स होता है वो कंप्लीट कर लें और अच्छी परफॉर्मेंस दें तो दे कैन हैव ए कैश अवार्ड फॉर यू एंड इट कैन बी इवन नॉन फाइनेंशियल अवार्ड टीम बेस्ड प्लान भी हो सकता है जिस तरह हमारा जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम क्रिकेट की जाती है तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत के लाओगे तो हर एक प्लेयर को ये मिलेगा सारी टीम को ये चीज़ अवार्ड मिलेगी एंड अगेन फॉर ईच प्लान यू कैन हैव प्रोज एंड कॉन्स इंडिविजुअल बेस पे करेंगे तो फिर ये भी उसका फा, फायदा तो ये है ना कि हर कोई एफर्ट करेगा लेकिन इसको कोई नुकसान भी हो सकता है वो क्या है नुकसान ये हो सकता है कि पीपल कैन एक्ट एज ए ब्लॉकर फॉर अदर पीपल हर कोई ये कोशिश कर सकता है कि चले मैं दूसरे को ब्लॉक करूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसकी कम होगी तो दैट इज ए नेगेटिव पार्ट फॉर दैट परपज वी हैव है टीम प्लान सिस्टम टीम बेस्ड प्लान और उसका फायदा क्या है कि नाउ टीम को हेसब सारे मिलकर जीते सबको हो लेकिन उसमें फिर एक नुकसान भी है कि देर आर माइंड भी सम फ्री राइडर वो क्या होगा कोई एक दो ऐसे भी होंगे वो कहेंगे यार सारे एफर्ट कर रहे हैं जिम्मे मिलेगा हमें मिल जाएगा हमें क्या जरूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की सो इट डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वट टाइप ऑफ प्लान इज मोर इफेक्टिव आगे देखते हैं प्लांट वाइड प्लान एक कोई यूनिट किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक कुछ सेक्शन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर उस सेक्शन को उस यूनिट को स्पेशल अवार्ड दिया जाता है स्पेशल उसको हम गेन शेयरिंग कहते हैं क्योंकि ड्यू टू दैट सेक्शन दैट जो प्लांट है उसकी वजह से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हुई है एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को तो दे कैन गेट देयर शेयर वी कॉल इट गेन शेयरिंग इज अदर वे एंड ओवरऑल कार्पोरेट लेवल यू कैन हैव द सेम टाइप ऑफ प्लान उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग की का नाम देते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो सारी कॉर्पोरेशन को सारी ऑर्गेनाइजेशन के सब इंप्लाइज को उसका बेनिफिट दिया जाए एंड इट इज द अदर नेम ऑफ दिस प्लान इज प्रॉफिट शेयरिंग वट विल डिटर्मन दैट पे फॉर परफॉर्मेंस इज एन इफेक्टिव सिस्टम देर आर सर डिटर्मेंट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम एंड रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग द पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम एंड पार्ट ऑफ द होल कंपनसेशन सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था प्राइसिंग ऑफ जॉब से शुरू किया था हाउ कैन इट बी इफेक्टिव इफ वर्कर वैल्यूज आउटकम अगर वर्कर्स को उस रिवार्ड का कुछ इंपॉर्टेंस है ये वो समझते हैं कि यस इट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन वो जो आप रिकग्निशन एक सर्टिफिकेट देते हो एक शील्ड देते हो अगर वर्कर को अंदाजा है कि इसका इसका कोई फ़ायदा है इसका कोई वैल्यू है उनके कैरियर के अंदर उनकी अप्रिसशन के अंदर उनकी पब्लिसिटी के अंदर इवन उनकी वर्थ मार्केट में जो बढ़ने के अंदर सो देन डेफिनेटली विल वर्क हार्ड फॉर दैट रिवार्ड इन बट इट इज नॉन फाइनेंशियल एंड आउटकम इज वैल्यूड रिलेटिव टू अदर रिवार टू और उसका कोई बेंच मार्क होना चाहिए कि इसकी क्या वैल्यू है वट इज द वर्थ ऑफ दिस परफॉर्मेंस मस्ट बी मैयरेबल आपका यह सिस्टम उसी वक्त ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर परफॉर्मेंस को आसानी से मैयर कर सकें आप इट शुड बी मैयरेबल इट कैन बी वेरी इजी टू मेक दिस सिस्टम

कि द एन्वायरमेंट इज़ इन सच टाइप द फैसिलिटीज आर ऑफ सच टाइप कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा मेहनत करेगा तो यस वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है और उससे परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है एंड वर्कर मस्ट बिलीव दैट इंक्रीज आउटपुट विल रिजल्ट इन रिसीविंग द रिवॉर्ड और इसका वर्कर को ये भी अंदाज़ा हो कि अगर उसकी आउटपुट बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन विल रिकग्नाइज इट एंड दे विल रिवार्ड हिम एंड अगेन रिमेंबर रिवार्ड कैन बी ऑफ एनी टाइप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इवन अप्रीसिएशन सो इट शुड बी लिंक्ड सो दैट बिकॉज एवरीबॉडी दिस इज ऑल्सो ह्यूमन साइकोलॉजी की वाई शुड आई डू द एक्स्ट्रा तो अगर मुझे मालूम हो कि मुझे इससे शाबाश मिलेगी मुझे इससे बोनस मिलेगा मुझे इसका फायदा है मुझे अगला स्टेप मिलेगा तो डेफिनेटली आई ट्राई एंड साइज ऑफ रिवार्ड मस्ट बी सफिशियंट टू स्टीमुलेट

रिटर्न ठीक है परफॉर्मेंस मई मस्ट बी कंपेटेबल विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गोल ऑफ ऑफर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज द सर्वाइवल एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है तो उसके साथ लिंक करते जाएं ताकि वो सिंगल यूनिट की एक्टिविटी भी अल्टीमेट इफेक्ट करे वरऑल आर्गनाइेशन की परफॉर्मेंस में तभी तो सबको फायदा है तभी तो ऑर्गेनाइशन को फायदा है तभी तो एंप्लॉयर को भी उसका बेनिफिट है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दे आर सर्टन क्राइटेरियाज टू वैल्यू दर्फॉर्मेंस एंड वॉट आर दोज क्राइटेरियाज इट कैन बी क्वालिटी के वॉट आर वर यू आर डूइंग उसकी क्वालिटी कैसी है इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग If you are providing the services, the quality is very important criteria. And quality, we have Now it is the basic requirement. It was a competitive edge, but now it is, has become the basic requirement. Unless you produce or you provide the quality product or service, forget about your survival. लेकिन क्वालिटी में भी कितनी अच्छी क्वालिटी बेसिक एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट है सो so, उससे जितनी बेहतर होगी उतना आपका अच्छी परफॉर्मेंस लाइक लेट्स सी इन योर एग्जाम सिस्टम वी कॉल वी से जीपीए इज ए रिस्पेक्टेबल एक अच्छी क्वालिटी का जीपीए तीन या तीन से ऊपर होना चाहिए अब जितना अच्छा होगा उतनी इसका मतलब उसकी क्वालिटी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है थ्री पॉइंट फाइव वेरी गुड थ्री पॉइंट सेवन फाइव उससे अच्छा

कितना टाइम जाया किया जो मिनिमम टाइम था उसी के अंदर काम किया दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस कास्ट इफेक्टिवनेस नो व्हाट इज दिस कास्ट इफेक्टिवनेस मीन मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लें और अगर आपने कास्ट को कंट्रोल किया है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है वेस्टेज कम से कम है रिटेंडेंट किस्म की एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटीज की जरूरत नहीं थी आपकी उस परफॉर्मेंस के लिए वो नहीं की। इससे क्या होगा कास्ट कंट्रोल होगी कास्ट कंट्रोल होगी तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी सो दैट इज आल्सो वन क्राइटेरियन फॉर दी आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसके अलावा नीड फॉर सुपरविजन नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्या आपने वो बगैर किसी बास के सुपरवाइजर के काम किया खुद किया क्योंकि सुपरवाइजर के साथ किया तो देन देर हर रोल इज ऑल्सो देर आपको अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए क्या किसी हेल्प की जरूरत पड़ती रही तो फिर तो ये शेयर हो गया ना दैट इज ऑल्सो वन टेरियन टू सी दर्फॉर्मेंस एंड उसका इंटरपर्सनल इंपैक्ट क्या हुआ इफ इट इज एट हेज ए पॉजिटिव इंपैक्ट ये उसका आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा एज फर एज दर्फॉर्मेंस में यूमेंट इज कंसर्न और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये ये सिस्टम फेल भी होते हैं है तो बड़ा इंटरेस्टिंग बट व सीन दिस सिस्टम को फेल होते भी देखा है सो व्हाट आर द रीजन फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस फेलर्स क्यों कभी कभी फेल हो जाते हैं पुअर परसीव कनेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पे एक प्रॉपर तरीका नहीं था इसको सही क्वांटिफाई नहीं किया था तो दैट माइट बी रीजन दैट द सिस्टम फेल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बेस पे इज टू लो It is not making any hell of difference between people who are not performing well and person who has performed well. So why, why to take extra burden? Naturally, this will come in the mind of the people. And that is why it is not working. And that was the reason we said earlier in the earlier slide that it should be sizable. Lack of objective, accountable results for most jobs, so performance appraisal rating are used in place of objective outcomes. दिस कैन बी एन अदर रीजन फॉल्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इट्स सेल्फ द बिग फ्लॉ दे आर इफ यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट दोज परफॉर्मेंस थिंक फॉर विच ही आर चीज वर्किंग इफ द सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपर नेचुरली वो जो उसके पैरिफिर एक्टिविटी के लिए बाकी सिस्टम है परफॉर्मेंस अप्रेजल है बाकी चीज़ें हैं वही सही नहीं तो फिर इस पूरे सिस्टम में तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म होगी समाइम देयर इज यूनी रेजिटेंस टू दे don't want टू हैव a डेविएशन इन द पे पैकेज उसकी तरफ से प्रेशर होता है स्पेसली इन दोज आर नेशन दियर दे हैव द कोलेक्टिव बारगेनिंग टाइप ऑफ थिंग जहाँ पर यूनियन बैठ के डिसाइड करती है आपके साथ कि क्या सैलरी होनी चाहिए क्या बेनिफिट्स होने चाहिए वहाँ अगर किसी को एक्स्ट्रा देंगे तो यूनियन उसको रजिस्ट करेगी या अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से रिड्यूस करेंगे तो उस पर भी रजिस्ट करेगी एंड हाउ स्ट्रांग दे आर देट कैन ऑल्सो इफेक्ट योर सिस्टम एंड इट कैन बी टूअर्ड फेलर पूरा कनेक्शन बिटवीन पे फॉर परफॉर्मेंस आउटकम्स एंड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस यस वही चीज कि उसका आपस में प्रॉपर लिंक ही नहीं है सो दैट वाज अबाउट परफॉर्मेंस फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम ब्रादर जब किसी ने परफॉर्म किया नाउ यू हैव टू रिवार्ड हेमर हर वो कैसे करते हैं आजकल उसको हम पैसे की शकल में देखते हैं एंड वॉट इज मनी पैसा रुपया उसकी डॉलर की शक्ल हो सकती है उसकी पाउंड की शक्ल हो सकती है उसकी यूरो की शक्ल हो सकती है बट रिमेंबर दिस मनी हैज इट सेल्फ दे डोंट हैव एनी वैल्यू द वैल्यू इज देयर बाइंग पावर आज अगर ये बड़े बड़े जो आई एम एफ है जो बड़ी कंट्रीज हैं या कोई भी कंट्री ये डिसाइड कर ले कि ये जो हम करेंसी या पैसे की शक्ल में चीजें खरीदते हैं यह पैसा जो है इसको खत्म करते हैं इसकी जगह कोई और चीज ले आते हैं दैट विल बिकम द पावरफुल टूल सो मनी इट सेल्फ इज नथिंग इट इज द पावर इट हैज टू परचेज अ थिंग फॉर यू बाइंग पावर जिसे कहते हैं तो लेट सी कि इस पैसे का क्या रोल है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर इसमें एथिक्स अन एथिक्स की बहुत सारी चीजें आएंगी विल ट्राई टू जस्ट टच दम सो नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ मनी क्या है किसी ने कहा yeah? है वैन सम वन सेज इट इज नॉट द मनी इट इज द प्रिंसिपल बिलीव इट इट इज द मनी द बॉटम लाइन इज मनी इसको समझें किसी की कोटेशन है नानोमस लिखा हुआ कि वेन सम वन सेज इट इज नॉट द मनी इट इज द प्रिंसिपल इट इज द मनी एक्चुअली ही आर शी इज टाकिंग अबाउट मनी एडम समित है ना जिसने अच्छी किताब भी लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन वो क्या कहते हैं कि एवरी थिंग अकाउंट दी इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज द मनी और मनी क्या है जस्ट द बाइंग पावर ये बुरी चीज नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है इसका यूज अच्छा या बुरा हो सकता है, है ना मजे की बात कि पैसे की बात करें द मीनिंग ऑफ मनी इसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी अग्रेशन के हवाले से पे कंपनसेशन के हवाले से मनी एंड एम्प्लाईज नीड वही जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके लिए बाइंग पावर है इट अफेक्ट्स सेवरल नीड्स नॉट जस्ट द एग्जिस्टेंस नीड लोग कहते हैं ना कि पैसा सर्वाइवल के लिए जरूरी है खाली सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए जरूरी होता तो फिर इतना पैसे के पीछे क्यों भागते हो आगे हम मोटिवेशन में लेवल ऑफ डिफरेंट नीड्स मैजलो की हरिकी ऑफ नीड एक थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे कि कैसे बेसिक नीड से फिर आप सोशल नीड फिर सिक्योरिटी नीड फिर सेल्फ एक्स्ट्रीम नीड फिर एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ जाते हैं और हर स्टेज पे पैसा एक रोल प्ले कर रहा होता है और हर स्टेज पे आपके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट कम और ज़्यादा हो सकती है सब्जेक्टिव थिंग ए सर्टन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी एनफॉर वन पर्सन एंड इट कैन बी जस्ट पी फॉर अनदर अदर पर्सन और फिर वो ही है जिसमें मेजरो ने कहा है कि एक जब आपकी नीड पूरी होती है तो आप अगली नीड की तरफ सोचना शुरू करते हैं एंड देर इज नो एंड तो ये बेसिक फिलासफी अगर समझ लें तो फिर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि, कि लोग क्यों एक्स्ट्रा काम करते हैं जब आपको उसका एक्स्ट्रा पे करते हो क्यों वो ओवर टाइम के लिए ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वहां से मिल रहा होता है और अगर इसको अच्छी तरह मैनेज कर लें आप तो यही चीज फायदा हो सकती है वरना ये एक मसला भी क्रिएट कर सकती है सो so, अगर हम नीड की बात करते हैं तो ना सिर्फ उसकी बुनियादी जो एग्जिस्टेंस नीड है रोटी कपड़ा और मकान उसके अलावा भी दूसरी नीड्स के लिए भी उसको ये मनी जो है ये पैसा जो है उसको इफेक्ट कर सकता है एंड दे वैल्यू द पीपल द वर्किंग पीपल एवरी बॉडी रादर दे वैल्यू दे आर सर्वाइवर सर्विसेज एंड प्लेस हाई वैल्यू ऑन दैम क्यों दे परसीव मनी ए सिंबल ऑफ देयर अचीवमेंट्स को पूछता है कि भाई आपकी कितनी सैलरी है किस ग्रेड में हो तो जैसे जैसे आप ज़्यादा ग्रेड बताते हो तो एक काइंड ऑफ यू आर

फला साइंस में फला चीज़ में मैंने मास्टर किया फला चीज़ में मैंने बी ब्या, एस किया तो ये तो लो पे कर रहे हैं तो आई शुड नॉट गो देयर एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फिर उसी बेस पे हर कोई अपनी एबिलिटीज़ को भी समझता है और लिमिटेशन को भी समझते हुए फिर उस इक्विटी को समझने की कोशिश करता है कि वट इज़ माई वर्थ हाउ मच हाउ आई एम डिलीवरिंग एंड हाउ मच आई शुड बी गेटिंग एंड इट इज़ ऑल टू टू डू विद द परसेप्शन पार्ट मनी एंड एटीट्यूड इसका क्या तल्लक है पैसे का एथिकल इस्तेमाल भी हो सकता है और अनएथिकल भी हो सकता है लेकिन पैसा इट सेल्फ इज नॉट ए एवल इट इज द यूज ऑफ दैट मनी विच कैन बी ईवल यूज और एथिकल यूज एंड एंड इट रिप्रेजेंट सक्सेस एंड शुड बी बजटेड केयरफुली इसीलिए जैसे आप देखते हैं कि आपको पॉकेट मनी मिलती है घर से खर्चा जो बच्चों को देते हैं पेरेंट्स तो वो जो जितना उनके पास पैसा होता है अगर उसी मीन के अंदर रहते हो वो अपनी बजट को अच्छी तरह कर लें तो दे विल बी वेरी हैप्पी इसी तरह आपके पेरेंट्स की अर्निंग होगी एक खास अमाउंट और अगर वो उसको अच्छी तरह बजट करके वो वाइजी उसको यूटिलाइज करें

With the performance we can effectively manage it. Ensure rewards are relevant and use team reward for interdependent jobs. हमने वो जो आपने पढ़ा था कि किस तरह उनको incentive दिए जाते हैं। अब pay for performance के बेस पे उसमें हमने देखा था individual और team base। अगर काम जो है उन सारा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है देन ऑफकोर्स द टीम रिवार्ड विल बी मोर इफेक्टिव दे इन्श्योर दैट द रिवार्ड हैज अ वैल्यू एंड पीपल टेक इट इज अ वैल्यूड एंड बी वेयर ऑफ अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज अब उसकी वर्थ क्या है उसकी वैल्यू उसके लिए के लिए क्या है जिसको आप रिवार्ड दे रहे हैं और जैसे हमने अभी देखा कि इट इज अ रिलेटिव टाइम किसी के लिए एक थोड़ा अमाउंट ही इनफ है और किसी के लिए देर इज नो लिमिट बट अगेन वी कैन नॉट चेंज अवर सिस्टम और पॉलिसी फॉर पर्सन टू पर्सन वी हैव टू मेक श्योर इट इज ए साइजेबल इट इज रेलिवेंट बट येस इट इज फेयर विद दफॉर्म स्पेस एंड मनी कैन ऑल्सो एक्ट एज ए मोटिवेटर मनी इज ए मोटिवेटर फैक्टर कैसे जैसे मैंने आपको मैजलो की बात की मैजलो एंड एल्ड्रफ्ट के हवाले से पे शुड प्रू प्रूव स्पेशली मोटिवेशनल टू पीपल हु हैव स्ट्रांग लोअर लेवल नीड जैसे किसी ने किसी भूखे से पूछा कि दो और दो कितने होते हैं तो उसने क्या कहा कि चार रोटियां बिकॉज ही वॉज है ये जो पैसा है इसकी रेलिवेंस है विद द नीड बेसिकली रिकॉर्डिंग टू मैजलो किस नीड पे आप इस वक्त आप हैं आपकी उस वक्त क्या चीज़ जरूरत है उस वक्त उस चीज़ की उतनी ही वैल्यू आपके लिए बन जाएगी उसकी जो हरकिय ऑफ़ नीड की स्टेजेस हैं वो पहली स्टेज है बेसिक नीड दैन इज़ द सिक्योरिटी नीड दैन इज़ द सोशल नीड एंड इसी तरह आगे अब जिसको खाने को पीने को कपड़े लगाने को कुछ ना हो तो उसको सिक्योरिटी से क्या कंसर्न है तो जब किसी को कोलामिया देता है उसके पास घर भी है पैसा भी है तो नेचुरली उसकी ज़रूरत क्या होगी कि आगे सिक्योरिटी आए उसको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत पड़ेगी उसको ये ख्याल होगा कि यस मेरे घर के आगे दरवाजे हों लॉक करूँ ताकि कोई चीज़ ना गायब हो जाए तो इस हवाले से अकॉर्डिंग टू मैज एंड इट इज़ इट कैन बी डिस्कशन पॉइंट वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दैट यू कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट अकॉर्डिंग टू मैज लो कि जितने आप नीचे लेवल पे हैं अपनी नीड की उतनी ही ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत है फिर तो आप पूछ सकते हैं ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको पैसों की क्या जरूरत होती है तो पैसे की तो हर स्टेज पे जरूरत है लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं तो सैलरी कैन बी द बेसिक सैलरी द बेस जो बेसिक आपकी है दैट कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल वर्किंग एट द लो लेवल हाई लेवल के लिए हो सकता है कि पीपल कैन गो फॉर बेटर पोजिशन इवन विद द लो सैलरी द बेटर इन्वायरमेंट इवन विद द लो सैलरी इवन दे कैन गो फॉर बेटर बेनिफिट्स तो सी इट डिपेंड बट येस मनी इज प्लेइंग द मोटिवेशनल रोल

बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान की है फिर भी पैसे चाहिए आपको सिक्योरिटी चाहिए आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए और अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए तो फिर तो हर स्टेट पे इट इज अंडरस्टूड एंड इट इज एग्रीड अपॉन कि यस इट इज अ मोटिवेटर बट अगेन इट रिलेटिव टर्म आगे चलते हैं लेट्स सी वाई पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन ये स्लाइड दिखाने का मकसद बेसिकली देर अदर रीजन टू बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द एफ के यस yes, ये पे और सैलरी ये पैसा इसके लिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्गेनाइजेशन के अंदर रियल लाइफ के अंदर ये एक पुराना डाटा किसी बुक के अंदर से मेरे पास था कि वाई पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन इस ग्राफ के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न थर्टी फोर पर्सन लोग जो है, वो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ते हैं टेक इट इज हाइपोथेटिकल डेटा कि वहाँ पे उनको प्रॉपर रिकग्निशन नहीं थी और वहां पे उनको प्रेज नहीं किया जाता था दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिकग्निशन फ्रीडम टू वर्क रिस्पेक्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बट अगेन अगर तो आप के बच्चे भूखे हैं घर में तो फिर तो समाइम पीपल गो फॉर रॉन्ग थिंग्स तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए नॉर्मल सिचुएशन तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन पीपल ली वर्गनेशन इज द कॉम्पनसेशन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे बिलीव इन दैट इज ट्वेंटी नाइन परसेंट और बाकी जो रीजन है लिमिटेड अथॉरिटी पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्स और अदर ये थोड़ी थोड़ी है तेरह परसेंट आठ परसेंट सोलह परसेंट तो इससे एक जो हमें करते हैं आइडिया लेते हैं इससे जो हमें एक मैसेज मिलता है कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पीपल रीवाग्नाइशन इज द टिस्फाइड विद देयर कंपनसेशन सो एंड वेन यू आर टॉकिंग अब कॉम्पनेशन यस मनी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट कॉम्पनसेशन लेट सी एसन एज एकोनोमिस्ट एक्सपेक्ट अगर मैं इकोनॉमिक के हिसाब से देखता हूं तो एक पर्सन एज ए पर्सन क्या एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट क्या है

तो रिटर्न उसकी क्या है उसके इन्वेस्टमेंट क्या है ना द टाइम ही आर शी इज गिविंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफर्ट्स वो लगा रहे हैं और कितने कमिटमेंट से काम कर रहे हैं एंड वट इज इन इट फॉर मी दैट इज द रिटर्न इन्वेस्टमेंट तो हो गया उसने टाइम लगा लिया एफर्ट्स कर ली पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया वाई वट इज द कैच वट इज इन इट फॉर मी वो फिर कैलकुलेशन करेगा कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली और अगेन यहां पे फिर वो इक्विटी को देखेगा एंड रिमेंबर व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट कि मैं कितनी एफर्ट पर लगा रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है और उसके मुकाबले में उसी तरह की इनपुट उतना ही आउटपुट के साथ या उतने ही मेहनत uh, के साथ दूसरे को क्या मिल रहा है अगर इसमें फर्क है तो देन इट विल बी अंडर रिवार्डेड और ओवर रिवार्डेड और सेम वे देन दे कंपेयर विद द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट विद द मार्केट तो ये भी एक वो देखना है कि क्या आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है ये चीज क्लियर हुई कि इन्वेस्टमेंट क्या थी इंप्लाइज की टाइम एफर्ट और कमिटमेंट और रिटर्न क्या उनके लिए वॉट इज कैच फॉर मी अपना इमेज देखते हुए और फिर उसको कंपेयर करते हैं जो आपको मिलता है एंड इफ यू नॉट सेटिस्फाईड वॉट इज गोइंग टू हैपन यू लीव इट यू विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑफकोर्स विल लुक एट द फेयरनेस इंटरप्रेट रिवार्ड्स पे विथ अदर जैसे मैंने आपसे कहा था इक्विटी के बारे में जज व्हाट इज फेयर अनफेयर क्या आपके साथ ज्यादा हो रही है और ये भी एक देखेंगे कि अगर आपको फेवरेटिज्म मिल रहा है तो आप शायद इग्नोर कर देंगे क्योंकि कोई बात नहीं मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ आई विश के हैव दिस करेज के ये मेरे साथ आप मुझे क्यों ज्यादा फेवर कर रहे हो बट वी ऑलवेज लुक एट अदर पीपल दैट इज टू जज दैट इट इज फेयर एंड अनफेयर और सेटिस्फैक्शन उसी वक्त होती है वैन यू फील यस मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही मुझे जो कंपनसेशन है फेयरली अच्छी तरह मुझे मेरा इंस्टीट्यूशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे पे कर रहा है तो दैट वॉज अबाउट रिवार्ड तो लेट्स सी इस रिवार्ड से क्या बिहेवियर निकलते हैं वन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमेबर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ मनी राइट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर रिवार्ड आपकी एक्सपेक्टेंस जो आपकी एक्सपेक्ट कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन लेवल पे है तो यू विल स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन यू विल डू वट आर डूइंग एंड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव इट मोर अगर नहीं है तो इधर एबसेंटिजम आठन ओवर दो आउटकम्स वहां से कोई यू डोंट यू डोंट केयर वट इज हैपनिंग सीरियसली अपना काम नहीं करेंगे मिस करेंगे डेड और या फिर और तलाश करेंगे जब और जल्दी छोड़ देंगे इस नौकरी को और याद रखिए हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं रिवार्ड सिस्टम को रोल ऑफ मनी इन इट लोग बाकी रीजन के लिए भी नौकरी छोड़ देते हैं किसी और वजह से भी एबसेंटिज्म हो सकता है किसी मजबूरी के तहत भी कंटिन्यू कर सकते हैं बट हेयर वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट अदर थिंग एंड इफ इट इज़ ओनली विद द रिवार्ड और द कंपनसेशन दे आर कैटिंग तो ये तीन बिहेवियर आपने देखे टेंस एबसेंटिज्म एंड टर्न ओवर बेस्ट ऑन दी रिवार्ड सिस्टम और इस मॉडल में देखें आप कि किसी का बिहेवियर भी अगेन इट इज ए री इन्फोर्समेंट स्ट्रैटी अगर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है तो लोग बार बार वो करेंगे नेगेटिव है तो नहीं करेंगे ठीक है ना इसमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है और यू कैन डू विद द रिवॉर्ड यू डू बेटर परफॉर्मेंस यू विल गेट दिस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड इफ यू डू गुड जॉब यू विल कंटिन्यू गेट दिस रिवार्ड तो ये दिस इज ए पॉजिटिव री ठीक है ना और अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा काम अच्छा नहीं करेंगे तो रिवॉर्ड खत्म भी हो सकता है एंड दैट इज ए इज प्लेइंग मोटिवेशनल फैक्टर द री एनफोर्समेंट फोर्सिस फोर्स जिससे आप बिहेवियर को कंट्रोल करते हो अपने एंप्लॉयज का और ये स्लाइड आपने पहले भी देखी थी जब हम परफॉर्मेंस को डिफाइन कर रहे थे देखिए वही मोटिवेशन फैक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड हेयर इट इज़ द रिवार्ड बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द रिवार्ड पार्ट कि अगर इन्वायरमेंट अच्छी है एबिलिटी अच्छी है आपके पास है तो पीछे वो मोटिवेशन है री एनफोर्समेंट है कि इफ आई परफॉर्म आई विल गेट द रिवार्ड इफ आई नॉट परफॉर्म आई माइट नॉट गेट द रिवॉर्ड तो फिर आप परफॉर्मेंस दोगे और आउटकम अच्छा निकलेगा आई थिंक एन फॉर टुडे सो हाउ वज दैट मनी पार्ट लेट समाइज इट आज हमने पहले हाफ में पे फॉर परफॉर्मेंस को डिस्कस किया और यह क्या इसकी क्या फिलॉसफी है द मोर यू विल वर्क द बेटर यू विल गेट द बेटर यू वर्क द मोर यू विल गेट राइट उस पर टाइप्स ऑफ पे, पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान हमने देखे जिसमें इंडिविजुअल प्लान था जिसमें मैरिट पे को डिस्कस किया और बाकी चीज़ों को फिर टीम बेस्ड प्लान था उसके अलावा प्लांट बेस प्लान देखा हमने और फिर कॉरपोरेट बेस प्लान देखा हमने कि जिसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं तो ये सारे चीज़ें हमने अपने आ, पे फॉर परफॉर्मेंस की डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस की इसके अलावा और भी क्या देखा लेट सी वो रीजन फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस फेलर्स भी देखे हमने कि अगर परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही गलत हैं परफॉर्मेंस सिस्टम ही गलत है अप्रेजल, और आपस में लिंक नहीं है तो यस दैट विल फेल एंड देन वी

देखा कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस के लिए जो मोटिवेशन होती है उसमें पैसा क्या रोल प्ले कर रहा होता है सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लॉजिकल टॉपिक नेचुरली मोटिवेशन राइट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले लेक्चर के लिए मोटिवेशन सो आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर। तो बिफोर आई शुड गो वो फिर मेरी भी आदत है कि आई विल अगेन आस यू टू वर्क हार्ड और मोटिवेशन के बारे में ज़रूर पढ़िए और जैसे किसी ने कहा है ना कि आज का काम कल पे मत छोड़ें क्योंकि तो कल नया काम मिलेगा आपको मोटिवेशन के लिए ज़रूर पढ़िए इसी उम्मीद के साथ दैक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ एंड अमेकूम